नमस्कार, मैं हूं नीतू शर्मा। स्वागत आपका द एंगल में। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वांचल की कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या, 10 गोलियां मारी गई, 4 जेलकर्मी सस्पेंड। दीपा कर्माकर ने की 2 साल बाद शानदार वापसी, जिम्नास्टिक में जीता गोल्ड मेडल। राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पहली बार होगा कैंपस प्लेसमेंट, बेहतर शिक्षा के चलते मुंबई के हॉस्पिटल ने किया चयन। राजधानी जयपुर शास्त्री नगर में तनाव अभी भी बरकरार, मामूली बातों को लेकर दो पक्षों में हुआ था पथराव। पूर्वांचल के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई। जेल में माफिया डॉन की हत्या के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने कुछ दिन पहले ही अपने पति की हत्या की आशंका जाहिर की थी। ऐसे में जेल के अंदर ही सनसनीखेज तरीके से हत्या होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल ट्रांसफर किया गया था। पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में मुन्ना बजरंगी की बागपत कोर्ट में पेशी होनी थी। बताया जा रहा है कि रंगदारी के मामले में झांसी से बागपत आए मुन्ना बजरंगी की जेल में 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बागपत जेल के जेलर, डिप्टी जेलर समेत 4 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वंशवादी राजनीति की निंदा करने के लिए प्राचीन काल के दार्शनिक चाणक्य का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने करीब 2300 साल पहले वंशवाद की राजनीति की निंदा की थी और उनका दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब भी प्रासंगिक है। उन्होंने आरएसएस से काफी करीब से जुड़ी संस्था में आज के परिप्रेक्ष्य में आर्य चाणक्य का जीवन और उनका कार्य विषय पर अपने संबोधन में कहा कि शासकों के बारे में जहाँ तक चाणक्य की सोच की बात है तो उन्होंने साम्राज्य चलाने में वंशवाद के विचार का विरोध किया था। शाह ने कहा कि जरूरी नहीं है कि अक्षम वरिष्ठ को साम्राज्य के शासन की बागडोर दे दी जाए, सबसे योग्य भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो को साम्राज्य चलाने देना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के चोरी हो जाने के डर को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत से 55,000 बच्चों को अगवा किया गया है। यह आंकड़ा एक वर्ष पहले के आंकड़ों के मुकाबले 30% अधिक है। गृह मंत्रालय की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 54,723 बच्चे अगवा हुए, लेकिन केवल 40.4% मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल किए गए। वर्ष 2016 में बच्चों के अपहरण के मामलों में दोष साबित होने की दर महज 22.7% रही। वर्ष 2015 में ऐसे 41,893 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 37,854 थी। वर्ष 2017 के आंकड़े अभी पेश नहीं किए गए हैं। भारत की दीपा कर्माकर ने 2 साल बाद शानदार वापसी की। उन्होंने FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीता है। दीपा ने वॉल्ट इवेंट में 14.15 अंकों के साथ गोल्डन सफलता हासिल की। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 13.4 अंकों के साथ टॉप किया था। यह वर्ल्ड चैलेंज कप में दीपा का पहला मेडल है। उन्होंने बैलेंस टीम फाइनल में भी जगह बनाई थी। दीपा रियो ओलंपिक के वॉल्ट इवेंट में 4th स्थान पर रही थी। इसके बाद वे चोटिल हो गई थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा नहीं लिया था। दीपा की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज में पहली बार कैंपस प्लेसमेंट किया जाएगा। इस प्लेसमेंट के साथ ही यह प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी नर्सिंग कॉलेज होगा जहां कोई निजी हॉस्पिटल प्लेसमेंट करेगा। अभी तक किसी भी निजी नर्सिंग कॉलेज में किसी निजी अस्पताल ने प्लेसमेंट नहीं दिया है। इस प्लेसमेंट के लिए प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। नर्सिंग स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए जयपुर के ही चुनिंदा अस्पतालों में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब पहली बार एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबई 70 स्टूडेंट्स के चयन के लिए 16 व 17 जुलाई को राजकीय नर्सिंग कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट करने जा रहा है। गौरतलब है कि SMS मेडिकल कॉलेज 53 साल से राजस्थान का एकमात्र नर्सिंग कॉलेज जिसमें पूरी तरह निःशुल्क नर्सिंग कराई जाती है।
ढाई साल में कॉलेज का स्तर बढ़ा है। पहले जहां कॉलेज में केवल 26 ही सीटें थी, वे अब 100 हो गई हैं। यह सब जानने के बाद एशियन हार्ट हॉस्पिटल ने इस कॉलेज को चुना। गौरतलब है कि बीएससी नर्सिंग में 12,000 से अधिक बच्चे हर साल एडमिशन के लिए परीक्षा देते हैं। इनमें से टॉप 100 को ही यहां एडमिशन मिल पाता है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में तनाव अभी भी बरकरार है। रविवार देर रात शास्त्री नगर भट्टा बस्ती में कुछ युवकों का आपस में झगड़ा हो गया था। दरअसल भट्टा बस्ती के शिवाजी नगर में माताजी मंदिर के पास कुछ युवकों की कहां सुनी हुई, जिसमें एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों को पीट दिया। दो जनों के सिर में चोट आई। बात पुलिस तक पहुंची तो कई पुलिस अफसर व CLG मेंबर मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर सुलह का रास्ता बनाया। सुलह वार्ता निपटा कर पुलिस अफसर लौटे ही थे कि जिन युवकों को चोटें आई थी, उस पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के मोहल्ले में जाकर पथराव कर दिया। इस पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, घरों में पत्थर पहुंचे। विवाद बढ़ता देख थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता मांग लिया। घटना के बाद इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने की अटकलों के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम चुनाव की तैयारियों की कड़ी में 8 राज्यों के विशेषज्ञ को राज्य के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4 दिवसीय ट्रेनिंग की शुरुआत जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हुई। ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने किया। ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने वालों में भारत निर्वाचन आयोग के KF विल्फ्रेड, महाराष्ट्र से अरुण आनंदकर, उत्तर प्रदेश के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर दिनेश सिंह शामिल हैं। इस दौरान आदर्श आचार संहिता, चुनाव के दौरान खर्च की जाने वाली व्यय पर निगरानी, EVM और VVPAT जैसे विषयों पर विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा मीडिया टीम की प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति तय हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय मीडिया टीम सदस्य KK शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने पदाधिकारियों को प्रभावी ढंग से पार्टी और सरकार की नीतियों को जनता में ले जाने के लिए कहा। बैठक में 30 प्रतिनिधि और प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे। जागरूक होकर इश्यूज को प्रॉपर स्टडी करके, पूरी मास्टरी करके हम लोग अपने पैनल पे जाएं, हम वाइट दें और मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो सही फैक्ट्स जो हैं वो लेकर हम लोगों को करने चाहिए। और जो कांग्रेस को आज माफ़ी मांगनी पड़ी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का माफ़ी मांगने का दौर अब शुरू हो गया है। अब 70 साल में जितने उन्होंने गलत काम किए हैं, धीरे धीरे सबकी माफ़ी मांगने का काम वो करेंगे, फिर भी जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में यात्रियों का चयन करने के लिए लॉटरी निकाली गई। जिला प्रभारी तथा गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली गई। कमेटी में शामिल जिला प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, जयपुर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। 10,000 का हमारे जिले को 626 गेट से और 207 जो है वो ट्रेन से, क्योंकि हमने आज लॉटरी निकालने के लिए जम्मू किया और रेट लगभग फाइनल किया। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब लोगों को उनकी वरीयता के आधार पर अगर उसमें से किसी कारण से कोई नहीं आ पाया तो हमने इसकी सप्लाई के लिए 3 साल के साथ निकाला। इस बुलेटिन में ये थी खबरें। अभी तक जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।